आज का प्रातः क्लास है 27 जनवरी 1968 शनिवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 27 जनवरी 1968 सैटरडे। भाई रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते। ब्रदर द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। क्यों भाई? वाई ब्रदर? ऐसी पार्शियलिटी क्यों करते हैं? वाई डज ही शो सच पार्शियलिटी? जिस्मानी बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है क्या? एंड द बॉडीली चिल्ड्रन हिज चिल्ड्रन? अरे रूहानी बाप के तो रूहानी बच्चे होंगे ना। अरे द स्पिरिचुअल फादर विल सर्टेनली हैव स्पिरिचुअल चिल्ड्रन वोंट ही? जिस्मानी बच्चे किसके होंगे? एंड हुज विल द बॉडीली चिल्ड्रन बी? जिस्मानी बच्चे जरूर देह अभिमानी के होंगे। द बॉडीली चिल्ड्रन विल सर्टेनली बिलोंग टू समवन बॉडी कॉन्शियस। रावण को कुंभकर्ण को बहुत देवहान दिखाया जाता है ना, उसकी यादगार क्या है? रावण एंड कुंभकर्ण आर शोन वेरी बॉडी कॉन्शियस आर दे? वॉट इज इट्स यादगार? यादगार है बड़ा उनका देह दिखाते हैं। इट्स यादगार इज दैट दे आर शोन विद अ ह्यूज बॉडी। रूहानी बच्चों को ही बाप समझाते हैं और क्या समझाते हैं? द फादर एक्सप्लेन्स ओनली टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन एंड वॉट डज ही एक्सप्लेन? पहले तो अपनी ये दृष्टि पक्की करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस विजन ऑफ योर्स फर्म। क्या? वॉट? क्या हम ज्योतिबिंदु आत्मा है और विभिन्न प्राणियों को भी देखते हैं, वो सब क्या है? वी आर अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल एंड ऑल द लिविंग बींग्स वी सी आर वॉट? ज्योतिबिंदु आत्मा है। दे आर पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स। दृष्टि पक्की होनी चाहिए। दिस विजन शुड बी फर्म। ऐसे हमारा बाप है। अवर फादर इज ऑल्सो द सेम। तो बाप हम बच्चों को बोलते हैं। सो द फादर टेल्स अस चिल्ड्रन। कि जो भी आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाली हैं, इनमें प्रवेश करती हैं। ऑल द सोल्स दैट स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज ही एंटर्स देम। दे अभिमानी हो तो उनमें रूहानी बाप प्रवेश नहीं करते। इफ समवन इज बॉडी कॉन्शियस डजंट द स्पिरिचुअल फादर एंटर देम? है देहंकारियों में प्रवेश नहीं करते। डजंट ही एंटर दोज हु हैव बॉडीली ईगो? है अच्छा। स्टूडेंट रिप्लाइड, अच्छा अगर आत्मा नहीं है तो बाकी तो शरीर है। इफ दे आंट अ सोल दे आर अ बॉडी। हाँ शरीर से कर्तव्य तो करते ही हैं। यस दे डू परफॉर्म एक्शंस थ्रू द बॉडी। और शरीर के द्वारा इन कानों से ही सुनते हैं। एंड विद द बॉडी दे लिसन जस्ट थ्रू द ईयर्स। परंतु कान सुनते हैं या कानों के द्वारा आत्मा सुनती है? बट इज इट द ईयर्स दैट लिसन और डज द सोल लिसन थ्रू द ईयर्स? चाह कान है ना कान, कान जड़ इंद्रियां हैं। देर आर द ईयर्स द नोज आईज ईयर्स आर फिजिकल इंद्रियां। ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स। इनके द्वारा सुनता कौन है? आत्मा सुनती है। हु लिसन्स थ्रू देम? इट इज द सोल दैट लिसन्स। तो ये आत्मा जो इंद्रियों के द्वारा सारे कार्य करती है या समझो इंद्रियों से कराती है। सो दिस सोल दैट परफॉर्म्स ऑल द टास्क थ्रू द इंद्रिया और यू मे कंसिडर दैट इट मेक्स द इंद्रिया परफॉर्म देम। तो उस आत्मा का निवास स्थान कौन सा है? वॉट इज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ दैट सोल? कौन से तख्त पर बैठती है? विच थ्रोन डज इट सिट ऑन? कहेंगे ये ब्रकुटी। इट विल बी सेड दिस ब्रिकुटी मीनिंग द प्लेस बिटवीन द टू आईब्रोज सेंटर ऑफ द फोरहेड। क्या? वॉट? उसका नाम ब्रकुटी क्यों दिया? वाई वॉज इट नेम्ड ब्रिकुटी? है कारण? वॉट इज द रीजन? अरे भरी पूरी कुटी है ना। अरे इट इज द फिल्ड अप कॉटेज दैट इज भरी पूरी कुटी इजंट इट?
हाँ उत्तम अंग तो वो तो स्टूडेंट कमेंटेड यस नो द उत्तम अंग इज वो तो उत्तम अंग हो गया मस्तक द फोरहेड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी उत्तम अंग लेकिन उस मस्तक में भी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना बट इवन इन दैट फोरहेड द सोल इज इन फैक्ट वेरी सटल इजंट इट तो वो ब्रकुटी में बैठती है सो इट सिट्स इन द ब्रिकुटी वो ब्रकुटी उसका तख्त है दैट ब्रिकुटी इज इट्स थ्रोन खाली खुली नहीं इट इजंट एम्प्टी कैसी हाउ इज इट भरी पूरी फिल्ड अप कितने जन्मों तक भरी पूरी इट इज फिल्ड अप फॉर हाउ मेनी बर्थ्स अरे कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म तक भी भरी पूरी अरे इट विल बी सेट टू बी इवन फिल्ड अप फॉर 84 बर्थ्स एट द मोस्ट 83 जन्म के बाद खाली नहीं होती डजंट इट बिकम एम्प्टी आफ्टर 83 बर्थ्स नहीं खाली होती डजंट इट बिकम एम्प्टी हाँ भला खाली होती है तो खाली होने से पहले ही मैं प्रवेश कर जाता हूँ Yes, although it becomes empty, I enter it before it becomes empty. तो फिर अखूट ज्ञान धन से भरता हूँ या थोड़े समय छोड़ देता हूँ Then do I fill it up with the inexhaustible wealth of knowledge or do I leave it for some time? भरता हूँ ना I fill it up, don't I? तो ये ब्रकुटी है So this is the ब्रकुटी अकाल तक तो कहते हैं It is called the imperishable throne, that is Akal Takht. आवनो गुरुद्वारों में सिखों ने तो लकड़ का बनाया हुआ है तख्त जिसको कहते हैं अकाल तख्त The Sikhs have made a throne of wood in the Gurudwaras. They call it the Akal Takht. क्यों Why? उन्होंने लकड़ की यादगार क्यों बनाई Why did they make a यादगार out of wood? कुछ पता नहीं Don't you know anything? अरे लकड़ बुद्धि हो जाता है अरे ही बिकम्स द वन विद अ वुड लाइक इंटेलेक्ट अंतिम जन्म में आकर के कैसा हो जाता है हाउ डज ही बिकम इन द लास्ट बर्थ लकड़ बुद्धि द वन विद अ वुड लाइक इंटेलेक्ट यस तो यादगार है उस लकड़ बुद्धि की गुरुद्वारों में वो अकाल तख्त So that Akal Takht in the Gurudwaras is a yadgar of the one with a wood-like intellect. तो वास्तव में क्या करना चाहिए? So in reality, what should you do? है? करना ये चाहिए. You should do this. कि उस अकाल तख्त पर बैठ करके है पहले क्या करना चाहिए कि भाइयों को देखना चाहिए. What should you do first of all sitting on that Akal Takht? You should see everyone as brothers. आत्मा आत्मा भाई भाई के भाई बहन Are souls brothers for each other or are they brothers and sisters? भाई भाई They are brothers. बाप बैठ करके बच्चों को देखते हैं So the father sits and sees the children. आत्मा रूपी बच्चों को देखते हैं ना He sees the children in the form of souls, doesn't he? कि देहों को देखते हैं और डज ही सी द बॉडीज आत्माओं को देखते हैं रूहों को देखते हैं ही सीज द सोल्स ही सीज द स्पिरिट्स तो जिन बच्चों को देखते हैं ये जो भाई है वो भाई भी अपने भाइयों को बैठ करके देखते हैं द चिल्ड्रन हुम ही सीज दिस ब्रदर ऑल्सो सिट्स एंड वॉचेस हिज ब्रदर्स तो पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो So make this vision firm first of all. क्या What? कि हम भी आत्मा और जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सब क्या है We are a soul and what are all the living beings? आत्मा They are souls. जब ये दृष्टि पक्की 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 होती जाएगी When this vision continues to become very very firm, तब क्या होगा रिजल्ट वॉट विल बी द रिजल्ट पक्की दृष्टि बन जाएगी कि जिसको भी देखेंगे रूह के रूप में देखेंगे और अपन को भी रूह के रूप में देखेंगे द विजन विल बिकम फर्म हुएवर वी सी
वी विल सी देम एज अ स्पिरिट एंड वी विल ऑल्सो सी अवर सेल्स एज अ स्पिरिट। निरंतर देखेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात आना क्या होगा? इफ वी सी दिस कॉन्स्टेंटली क्रिमिनल थॉट्स विल वॉट? बंद हो जाए। दे विल स्टॉप कमिंग इन द माइंड। और वो ऐसे नहीं कि एकदम बंद हो जाएंगे। एंड इट इजंट दैट दे विल स्टॉप इमीडिएटली। क्या? वॉट? जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस धीमे धीमे बढ़ती जाएगी आत्मा समझने की, तो आस्ते आस्ते वो क्रिमिनल ख्याल भी बंद होते जाएंगे। एज योर प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल इंक्रीजेस ग्रेजुअली, द क्रिमिनल थॉट्स विल ऑल्सो एंड ग्रेजुअली। क्योंकि अभ्यास तो करना पड़ता है ना। इट इज बिकॉज यू सर्टेनली हैव टू प्रैक्टिस, डोंट यू? तो अभ्यास करते करते अपन को आत्मा समझते समझते ये अभ्यास पक्का हो जाएगा। सो प्रैक्टिसिंग दिस ग्रेजुअली कंसिडरिंग योर सेल्फ अ सोल, दिस प्रैक्टिस विल बिकम फर्म। तुम्हारी टीम पक्की हो जाएगी कि हम भाई हैं। यू विल डेवलप अ फर्म हैबिट, वी आर ब्रदर्स। और भाई है तो भल कन्या माता सुंदर मोहड़े वाली भी आ जाए। एंड इफ वी आर ब्रदर्स इट डजेंट मैटर इफ सम मेडन और मदर विथ अ ब्यूटिफुल फेस कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो क्या पक्का रहे? वॉट शुड बी फर्म? कि मैं आत्मा को समझाता हूँ, बात करता हूँ। आई एक्सप्लेन टू द सोल, आई स्पीक विद द सोल। अरे ये सब प्राणी मात्र भाई हैं। अरे ऑल दीज लिविंग बींग्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। और अभी तो बाबा ने हमको ये आकर के समझाया कि तो तुम भाई भाई हैं। एंड नाउ बाबा हैज कम एंड हैज एक्सप्लेन दिस टू अस, यू आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। और तुम भाई भाइयों को ही हम बैठ करके राजयोग सिखाते। एंड आई सिट एंड टीच राजयोग ओनली टू यू ब्रदर्स। अगर भाई बहन का ख्याल आया तो नहीं सिखाएंगे? Won't he teach if the thought of being brothers and sisters comes in your mind? अरे सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? अरे will he teach you or not? तुम ही सिखाएंगे। अच्छा। Student replies, will he teach you even then? अच्छा। भाई बहन का ख्याल आया तो उसमें माया नहीं कूद पड़ेगी? Won't माया interfere if you have the thought of being brothers and sisters? माया बीच में टांगड़ आएगी कि नहीं? विल माया इंटरफियर और नॉट? नहीं आएगी। वॉन्ट शी? तो फिर? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस देन। फिर माया तुम्हें अपनी तरफ खींच ले जाएगी। देन माया विल पुल यू टूवर्ड्स हर सेल्फ। तो तुम बाप से सीखेंगे क्या राजयोग उस समय? देन विल यू लर्न राजयोग फ्रॉम द फादर एट दैट टाइम? नहीं सीख सकेंगे। You won't be able to. तो ये पक्का करना है कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुर्र पुर्र करती है। So you should make it firm that it is the soul that listens, it is the soul that makes movements. और ये अगर आत्मा ब्रकुटी में न हो, And if this soul isn't in the ब्रकुटी, तो ब्रकुटी के बीच में चुर्र पुर्र करे ही नहीं। It won't make movements in the ब्रकुटी। तो सुनते हैं तो कान फैलाते। It extends its ears when it listens. ये आत्मा कान फैलाती है सुनने के लिए। This soul extends its ears to listen. तो बच्चों को पहले पहले तो ये आत्मे की दृष्टि पक्की करनी चाहिए। So first of all, the children should make this soul conscious vision firm. जब भी देखना होता है किसी को तभी भी पहले पहले ये ख्याल आत्मे आवे। Whenever you have to see someone, This should come in your thoughts first of all. वो देह अभिमान का ख्याल आता नहीं। Not the thought of body consciousness. ये आत्मा का ख्याल आवे और वो देह अभिमान का ख्याल उड़ जावे। You should have the thought of the soul and the thought of body consciousness should vanish. क्योंकि ये प्रैक्टिस है, बड़ी मेहनत की प्रैक्टिस है निरंतर बनाने के लिए। It is because making this practice continuous involves great hard work. बहुत मेहनत है। There is a lot of hard work.
बाकी है ये नंबर वन सब्जेक्ट है। नेवरदलेस दिस इज द नंबर वन सब्जेक्ट। क्या वॉट पढ़ाई करते हैं ना दुनिया में। इन द वर्ल्ड पीपल स्टडी डोंट दे। बाकी बाकी के सब्जेक्ट होते हैं अंग्रेजी हिंदी गुजराती इतिहास भूगोल। देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी गुजराती हिस्ट्री ज्योग्राफी होते हैं ना। देर आर आंट देर वो नंबर वन नहीं है। दे आंट नंबर वन सब्जेक्ट्स। नंबर वन कौन सा सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट इज नंबर वन। मैं आत्मा आई एम अ सोल नंबर वन सब्जेक्ट ऊंचे की ऊंचा सब्जेक्ट। इट इज द नंबर वन सब्जेक्ट द हाईएस्ट ऑफ द हाई सब्जेक्ट। स्कूल में सब्जेक्ट्स होती है ना। देर आर सब्जेक्ट्स इन दो स्कूल्स आंट देर। ये है ईश्वरीय सब्जेक्ट ईश्वरीय स्कूल। दिस इज द ईश्वरीय सब्जेक्ट ऑफ गॉड द ईश्वरीय स्कूल। तो इसमें ये सब्जेक्ट को नंबर वन दिया है पहला नंबर है ये। सो दिस सब्जेक्ट हैज बीन गिवन नंबर वन हियर दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। और इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं। एंड देर आर ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स हियर। और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। विच अदर सब्जेक्ट्स आर देर। बाप के इस स्कूल में आध्यात्मिक विद्यालय में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। विच अदर सब्जेक्ट्स आर देर इन द स्कूल ऑफ द फादर इन द आध्यात्मिक विद्यालय। दैविक गुण धारण करना है। स्टूडेंट रिप्लाइज यस यू शुड असिमुलेट डिवाइन वर्च्यूज। ज्ञान लेना है जो बाप ज्ञान देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का आत्मा का परमपिता का परमात्मा का। यू शुड टेक दिस नॉलेज द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द सोल द सुप्रीम फादर द सुप्रीम सोल दैट द फादर गिव्स। तो ये जो मुख्य सब्जेक्ट है इस पर ध्यान देंगे। सो इफ यू पे अटेंशन टू दिस मेन सब्जेक्ट तो आप ही ऑटोमेटिकली वो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। यू विल असिमुलेट दोज डिवाइन वर्च्यूज ऑटोमेटिकली और होते ही रहेंगे। एंड यू विल कीप असिमुलेटिंग देम क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हैं। इट इज बिकॉज यू सी द सोल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रदर्स। सभी आत्माओं आत्माओं को देखते हैं। यू सी एवरीवन एज अ सोल। हम कोई शरीर से कनेक्शन नहीं करते। वी डोंट कीप अ कनेक्शन विद द बॉडी। और हम एंड वी हम आत्मा है तो ये जो सभी सारी ये जो कर्मेंद्रिया है ना ज्ञानेन्द्रिया चलायमान कब होती है। वी आर अ सोल सो वेन डू ऑल दीज कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया बिकम इनकॉन्स्टेंट। जब हम अपन को देह समझ बैठते तब चलायमान होती है। वेन वी कंसिडर अवर सेल्स अ बॉडी दे बिकम इनकॉन्स्टेंट। तो देह भान में आने से ये सारा गड़बड़ हो जाता। सो ऑल दिस मेस इज क्रिएटेड वेन वी बिकम बॉडी कॉन्शियस। फिर पहले पहले ये नंबर वन सब्जेक्ट पक्का करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक दिस नंबर वन सब्जेक्ट फर्म कि हम आत्मा बनी आत्माभिमानी बन के बैठे रहें। वी शुड सिट बिकमिंग सोल कॉन्शियस वी शुड रिमेन सोल कॉन्शियस। तो पहली पहली मुख्य बात ये है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग। जब ऐसे बुद्धि में हो तभी फिर तुम आत्माओं में ताकत आवेगी। एंड वेन यू हैव दिस इन योर इंटेलेक्ट यू सोल्स विल बिकम पावरफुल। स्टूडेंट कमेंटेड यस समझा ना। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू। क्योंकि आत्मा है तो सर्वशक्तिमान ना। इट इज बिकॉज द सोल इज सर्टेनली ओमनीपोटेंट इजंट इट। और सर्वशक्तिमान है तो कब एंड वेन इज इट ओमनीपोटेंट। तमो प्रधान है तब कि सतो प्रधान है तब। वेन इट इज तमो प्रधान और वेन इट इज सतो प्रधान। सत्व प्रधान है तो सर्वशक्तिमान। स्टूडेंट रिप्लाइड यस इट इज ओमनीपोटेंट वेन इट इज सत्व प्रधान दैट इज सतो प्रधान। तो
भला ये सर्व शक्तियाँ आत्मा को किससे मिलती है? वेल, फ्रॉम होम डज द सोल रिसीव ऑल दीज पावर्स? अभी तो कलयुग की दुनिया है, तमो प्रधान कलयुग है, कल नाउ इट इज द आयन एज वर्ल्ड, इट इज द तमो प्रधान आयन एज। कलयुग में सबकी ही आत्मा तमो प्रधान, एवरी वन सोल इज तमो प्रधान इन द आयन एज। तो सब शक्तिहीन हुए पड़े। सो एवरी वन हैज लॉस्ट देयर पावर। अंधेरे में है या उजाले में? आर दे इन डार्कनेस और इन लाइट? अंधेरे में। दे आर इन डार्कनेस। किससे मिलती है शक्ति? फ्रॉम होम डू दे रिसीव पावर? बाप से शक्ति मिलती है। दे रिसीव पावर फ्रॉम द फादर। सर्व शक्तिमान बाप है ना? इट इज द फादर हु इज ऑल माइटी, इजंट इट? और वो बाप रूहानी बाप सदा सर्व शक्तिमान है। And that father, the spiritual father, is always almighty. और तुम बच्चों को भी शक्तिवान बनाते हैं? And he makes you children powerful as well. जब तुम शक्तिवान बनते हो तो तुमको कहा जाता है सतो प्रधान। When you become powerful, you are called सतो प्रधान। तो इससे सिद्धि होता है कि सतो प्रधान किससे बनना होता है। So this proves through whom do you have to become सतो प्रधान? कहेंगे भाई शिव बाबा से बनना होता है। इट विल बी सेड ब्रदर यू हैव टू बिकम सतो प्रधान थ्रू शिव बाबा। क्योंकि वो शिव बाबा। इट इज बिकॉज दैट शिव बाबा। क्या? वॉट? सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इज फॉर एवर द ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा बाबा शिव बाप या शिव बाबा? इज इट शिव बाप मीनिंग द फादर शिव और शिव बाबा? अरे शिव बाप के लिए तो सदा कह ही नहीं सकते। अरे इट कांट बी सेड फॉर एवर फॉर द फादर शिव एट ऑल। इस सृष्टि पर सदा रहता है क्या? डज ही स्टे इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर? रहता है। डज ही? हाँ जब तक रहता है तब तक कहेंगे सदा। स्टूडेंट कमेंट्स, यस एज लॉन्ग एज ही स्टेज इट विल बी सेड फॉर एवर। सदाशिव? फॉर एवर शिव, दैट इज सदाशिव। तो सदा सतो प्रधान वो जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। सो द वन हु इज फॉर एवर सतो प्रधान ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड, वो तो कभी सतो कभी रजो कभी तमो में आते हैं। ही ऑल्सो बिकम्स सतो रजो एंड तमो समटाइम्स। वॉट? क्यों? वाई? क्योंकि एक के संग में तो रहते नहीं। इट इज बिकॉज ही सर्टेनली डजंट स्टे इन द कंपनी ऑफ द वन। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल एक के संग में रहते हैं क्या? नहीं। डज ही स्टे इन द कंपनी ऑफ द वन फॉर एवर ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड? नो। तो फिर रजो प्रधान तमो प्रधान बनेंगे ना? देन ही विल सर्टेनली बिकम रजो प्रधान एंड तमो प्रधान, वोंट ही? और अभी बाप आए हैं। एंड नाउ द फादर हैज कम। तो रूहानी बाप के संग के रंग में जितना व्यभिचारी रूप से रहेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। सो द मोर यू स्टे इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द स्पिरिचुअल फादर इन अ प्योर वे द मोर यू विल बिकम सतो प्रधान। तो पहले पहले इसके लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस, बाप के साथ रहने के लिए पहले पहले अपन को पहले ये दृष्टि पक्की करना है कि हम आत्मा हैं। टू स्टे विद द फादर यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस विजन फर्म वी आर अ सोल, है ना? इजंट इट? तब कहेंगे कि हम आत्मा अभिमानी हैं। देन इट विल बी सेड दैट वी आर सोल कॉन्शियस। नहीं तो फिर देह अभिमानी। अदरवाइज वी आर बॉडी कॉन्शियस। तो ये आत्मा अभिमानी में और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नाइट एंड डे बिटवीन बीइंग सोल कॉन्शियस एंड बॉडी कॉन्शियस। देह अभिमानी है रात में, अ बॉडी कॉन्शियस पर्सन इज इन द नाइट, और आत्मा अभिमानी है दिन में, एंड अ सोल कॉन्शियस पर्सन इज इन द डे। कैसे साबित करेंगे? हाउ विल यू प्रूव इट? अरे स्वर्ग में दिन ही दिन होता है।
अरे देर इज डे एंड ओनली डे इन हेवन। और इस नरक में जो नरक ही बनाई हुई ये दुनिया है। एंड इन दिस हेल इन दिस वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय मैन। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म के टाइम वगैरह सब के अंदर है ना। वॉट आर दीज इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दीज रिलीजियस फादर्स एटसेट्रा दे आर मैन आंट दे। तो यहाँ तो फिर अंधेरा ही अंधेरा। सो देर इज डार्कनेस एंड ओनली डार्कनेस हियर। रोशनी का उन्हें पता ही नहीं। दे डोंट नो अबाउट लाइट एट ऑल। इसीलिए भटकते रहते हैं सुख की खोज में या भटकना बंद हो जाता है। दिस इज वाई डू दे कीप वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस और डू दे स्टॉप वॉन्डरिंग। भटकते दे वॉन्डर। फिर उन्होंने गीत बनाए दिए। देन दे हैव मेड सॉन्ग्स। आज अंधेरे में हम हैं हम सब इंसान ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम सब इंसान ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। मीनिंग टुडे ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स आर इन डार्कनेस ओ गॉड रेडिएट द सन ऑफ नॉलेज। देखो ये सोजरे का और अंधकार का घोर सोजरा और घोर अंधकार का कितना फर्क हो जाता है। सो लुक देर इज सच अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस बिटवीन एक्सट्रीम लाइट एंड एक्सट्रीम डार्कनेस। उसमें वो जो भी है अंधकार में वो विकार के ख्यालात तो बहुत आते हैं। ऑल दोज हु आर इन डार्कनेस दे हैव अ लॉट ऑफ विशियस थॉट्स इन देयर माइंड। क्या वॉट इस दुनिया में भी विकारी प्रवृत्तियों में रात में ज्यादा पड़ते हैं या दिन में। इवन इन दिस वर्ल्ड डू पीपल इंडल्ज इन विशियस एक्टिविटी मोर एट नाइट और ड्यूरिंग द डे। रात में बहुत पड़ते हैं। दे इंडल्ज इन वाइसेस अ लॉट एट नाइट। तो सब आत्माभिमान उड़ जाता। सो द एंटायर सोल कॉन्शियस स्टेज वैनिशेस। विकार में गए और आत्मा आत्मा उड़ गई देह रह गई। इफ यू इंडल्ज इन वाइसेस द सोल वैनिशेस एंड द बॉडी रिमेन्स। देह भाग गए बॉडी कॉन्शियसनेस रिमेन्स। क्योंकि ज्ञान भी अंदर में है कि बरोबर हम आत्मा है। इट इज बिकॉज वी हैव द नॉलेज विद इन अस वी सर्टेनली आर सोल्स। तो क्यों क्यों ऐसा होता है। सो वाई डज दिस हैपन। है संग की रंग की बलिहारी है। द क्रेडिट गोज टू द कलर ऑफ द कंपनी। देह भान बढ़ता है देह के संग से और आत्मा भी भान बढ़ता है आत्मा के संग से। बॉडी कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ द बॉडी एंड सोल कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ द सोल। तो जाना है अब वापस। सो वी हैव टू गो बैक नाउ। कहाँ वेयर आत्माओं के लोक में। टू द अबोर्ड ऑफ द सोल्स। क्यों क्यों जाएं अभी अभी नहीं जाएंगे। व्हाई व्हाई शुड वी गो नाउ वी वोंट गो नाउ। अरे ये दुनिया खलास होनी है। अरे दिस वर्ल्ड हैज टू एंड। दिखाई नहीं पड़ता। इजंट इट विजिबल। नहीं दिखाई पड़ता क्यों खलास होनी। इजंट इट विजिबल व्हाई इट हैज टू एंड। कोई कारण। इज देयर एनी रीजन। कि एटम बम दुनिया को भस्म करने का बारूद तैयार हो गया है। द एटम बॉम्ब्स द अम्यूनिशन टू बर्न द वर्ल्ड टू एशेस इज रेडी। इसलिए अब हमको जो देह है जो भस्म होने वाली चीज है इसको छोड़ करके हम आत्मा को अब आत्मलोक में जाना ही है। दिस इज वाई वी द सोल हैव टू लीव द बॉडी दैट इज गोइंग टू बी बर्न्ड टू एशेस एंड सर्टेनली गो टू द सोल वर्ल्ड नाउ। तो क्या करें। सो व्हाट शुड वी डू। कि आत्माभिमानी बनेंगे तो प्योर बनेंगे पवित्र बनेंगे। इफ वी बिकम सोल कॉन्शियस वी विल बिकम प्योर। तो आत्मा हल्की फुल्की हो करके ऊपर उड़ेगी। इफ वी बिकम प्योर द सोल विल बिकम लाइट एंड फ्लाई अबव। आत्मलोक ऊंची स्टेज में है या नीचे। इज द सोल वर्ल्ड इन हाई स्टेज और इज इट लो। ऊंची स्टेज। इट इज इन द हाई स्टेज।
तो पवित्र तो बनेंगे ना। सो दे विल सर्टेनली बिकम प्योर वोंट दे। पवित्र बनेंगे तो सत्व प्रधान बनेंगे। इफ दे बिकम प्योर दे विल बिकम सत्व प्रधान। तो पहले पहले तो ये प्रैक्टिस चाहिए अच्छी सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिस शुड बी फर्म। सो भी कोई ऐसे नहीं है कि बस बैठे ही समझे। एंड इट इजंट दैट दे अंडरस्टैंड इमीडिएटली ऑन सिटिंग। ना ऐसे नहीं कि बैठे रहे। नो इट इजंट दैट दे शुड कीप सिटिंग। बैठे बैठे के प्रैक्टिस करें। नहीं दैट दे शुड सिट एंड प्रैक्टिस दिस। नो बच्चों को तो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ चलते फिरते समझना चाहिए जैसे कि हम आत्मा हैं। यू चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर अ सोल नो मैटर वेयर यू आर हियर और देयर व्हाइल वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड। ये आसमान के सितारे हैं ना, झिलमिल झिलमिल चमकते रहते। जस्ट एज देर आर स्टार्स इन द स्काई एंड देर दे कीप ट्विंकलिंग एंड शाइनिंग। ऐसे ये धरती के सितारे हैं। सिमिलरली दीज आर द स्टार्स ऑफ द अर्थ। ये सितारे क्या होते हैं जो धरती के सितारे हैं? वॉट आर दीज स्टार्स द स्टार्स ऑफ द अर्थ? अरे वो सितारे तो जो धरती के हैं वो आत्माएं होते हैं। अरे दो स्टार्स ऑफ द अर्थ आर सोल्स। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सितारे हैं आत्माएं हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टार्स वी आर सोल्स। ज्ञान की रोशनी करते हैं। वी स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज। और ये शरीर तो हमको कर्म करने के लिए मिला है। एंड वी हैव रिसीव्ड दिस बॉडी टू परफॉर्म एक्शंस। सो जन्म जन्मांतर एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहते। दिस इज व्हाई वी लीव वन बॉडी एंड कीप टेकिंग अनदर बर्थ आफ्टर बर्थ्स। अभी तो देखो शरीर छोड़ते छोड़ते हम तमो प्रधान बन गए। नाउ लुक वी हैव बिकम तमो प्रधान ग्रेजुअली व्हाइल लीविंग अवर बॉडी। अच्छा अभी तो हमको सत्व प्रधान बनना है। अच्छा नाउ वी हैव टू बिकम सत्व प्रधान। आत्मा सत्व प्रधान बनेगी तो सुखी रहेगी। व्हेन द सोल बिकम्स सत्व प्रधान इट विल रिमेन हैप्पी। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो तमो प्रधान युग में जन्म लेना पड़ता है। व्हेन इट बिकम्स तमो प्रधान इट हैज टू बी बोर्न इन द तमो प्रधान एज। और देखो हमको सत्व प्रधानता देने के लिए अभी भगवान आया हुआ है जिसको कहेंगे डायरेक्टर। एंड लुक नाउ गॉड हु विल बी कॉल्ड द डायरेक्टर हैज कम टू गिव अस सत्व प्रधानता मीनिंग द सत्व प्रधान स्टेज। सृष्टि रूपी बेहद के रंगमंच का वो डायरेक्टर है। ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस अनलिमिटेड स्टेज लाइक वर्ल्ड। वो आते तो है ना। एंड ही सर्टेनली कम्स हियर डजंट ही। आते हैं तो शरीर में प्रवेश भी करते हैं। व्हेन ही कम्स ही एंटर्स दिस बॉडी। और अपना भी तो शरीर है ना संगम युग पर। एंड ही डज हैव अ बॉडी ऑफ हिज ओन इन द कॉन्फ्लुएंस एज डजंट ही। जरूर अपना भी शरीर है। सर्टेनली ही हैज अ बॉडी ऑफ हिज ओन। अभी तो हम जानते हैं कि जिस मुकर्रर रथ में वो आते हैं और कोई युग में तो नहीं आते हैं। नाउ वी डू नो दैट द परमानेंट चैरियट इन विच ही कम्स ही सर्टेनली डजंट कम इन एनी अदर एज सिवाय इस कलयुग के अंत में संगम युग पर। एक्सेप्ट द एंड ऑफ द आयरन एज इन द कॉन्फ्लुएंस एज। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा कि भगवान बाप कोई क्राइस्ट के शरीर में आते। नो वन विल एवर से दैट गॉड द फादर कम्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अरे क्राइस्ट तो इस दुनिया में आया ही तब है जब ये दुनिया रजो प्रधान होती। अरे इनफैक्ट क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड व्हेन दिस वर्ल्ड वॉज रजो प्रधान। तो मैं तो कलयुग के अंत में तमो प्रधान दुनिया में प्रवेश करता हूँ ना। सो आई एंटर द तमो प्रधान वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज डोंट आई। हाँ तो ये बात समझी ना बच्चे। यस सो चाइल्ड यू डिड अंडरस्टैंड दिस डिडंट यू। तो उस रजो प्रधान दुनिया में तो बाप आ ही नहीं सकते।
द फादर कांट कम इन दैट रजो प्रधान वर्ल्ड एट ऑल. उनके आने का टाइम भी मुकर्रर. द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज फिक्स्ड. और उनका शरीर भी मुकर्रर. एंड हिज बॉडी इज ऑल्सो फिक्स्ड. गीता में क्या दिखाते हैं मुख पृष्ठ पर. वॉट इज शोन ऑन द कवर पेज ऑफ द गीता. किसके शरीर में. ही कम्स इन हूज बॉडी. कहते शरीर रूपी रथ है उस रथ में आते हैं. इट इज सेड देयर इज द चैरियट लाइक बॉडी ही एंटर्स इट. किसके. हूज चैरियट. अर्जुन के. ऑफ अर्जुन. अच्छा अर्जुन में क्यों आवे. अच्छा वाई शुड ही एंटर अर्जुन. अर्जुन में क्यों आवे. वाई शुड ही एंटर अर्जुन. अरे अभी बताया ना क्यों आवे. अरे इट वॉज एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ वॉजंट इट. वाई शुड ही एंटर. क्योंकि. इट इज बिकॉज. कोई कारण. इज देयर एनी रीजन. अकाल तख्त बोई है. यस ही अलोन इज द अकाल तख्त. कैसा अकाल तख्त है. वॉट काइंड ऑफ एन इमोर्टल थ्रोन इज ही. लक्कड़ बुद्धि. द वन विद अ वुड लाइक इंटेलेक्ट. कौन सा पेड़ ऐसा होता है जिसमें बहुत लकड़ी होती है. एंड विच ट्री हैज अ लॉट ऑफ वुड. बहुत लंबा चौड़ा होता है. विच ट्री इज वेरी टॉल एंड वाइड. कोई होता है कि नहीं. इज देयर एनी ट्री लाइक दिस और नॉट. तो उसका मिसाल दिया जाता है उसे लक्कड़ बुद्धि का. सो द वन विद अ वुड लाइक इंटेलेक्ट इज कम्पेयर्ड विथ इट. कैसे. विथ वॉट. उस वृक्ष से जिसका नाम देते हैं बड़ा वृक्ष. बड़ा वृक्ष. विद द ट्री दैट इज नेम्ड बड वृक्ष मीनिंग द बैनियन ट्री. बड़ा वृक्ष मीनिंग द बिग ट्री. हाँ दुनिया में जितने वृक्ष होते हैं उन सब में बड़ा वृक्ष. इट इज अ बिग ट्री कम्पेयर्ड टू ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड. तो ये षष्ठ रूपी वृक्ष है बहुत बड़ा है उसका मिसाल देते हैं वट वृक्ष से. सो दिस वर्ल्ड ट्री इज वेरी बिग. इट इज कम्पेयर्ड विद द बैनियन ट्री. वो उस वट वृक्ष के बीज में. बीज माने. इन द सीड ऑफ दैट बैनियन ट्री. वॉट डज सीड मीन. आत्मा में आते. ही कम्स इन दैट सोल. और एक ही दफा आते. एंड ही कम्स ओनली वंस. तो कोई भी कहे कि हाँ. सो इफ एनीवन सेज यस. कि आत्मा ये कहे कि क्राइस्ट में भी वही भगवान है. इफ अ सोल सेज देयर इज द सेम गॉड इन क्राइस्ट एज वेल. अरे पर भगवान तो आता ही तब है जब ये दुनिया तमो प्रधान कलयुग दुनिया हो जाती है. अरे गॉड सर्टनली कम्स व्हेन दिस वर्ल्ड बिकम्स तमो प्रधान एन आयरन एज वर्ल्ड. तब पुरानी तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान नई दुनिया बनाने आते हैं. देन ही कम्स टू मेक द ओल्ड तमो प्रधान वर्ल्ड इंटू अ सतो प्रधान न्यू वर्ल्ड. क्राइस्ट में कैसे आएगा. हाउ विल ही कम इन क्राइस्ट. दुनिया पुरानी हुई नहीं. द वर्ल्ड डिंट बिकम ओल्ड देन एट ऑल. द्वापर युग में पुरानी दुनिया होती है पूरी नहीं. डज द वर्ल्ड बिकम कम्प्लीटली ओल्ड इन द कॉपर एज. नो. तो भगवान कोई पुरानी दुनिया थोड़े ही स्थापन करने आते हैं. गॉड डजंट कम टू एस्टेब्लिश द ओल्ड वर्ल्ड. कि भाई द्वापर में आएंगे. सो दैट ही विल कम इन द कॉपर एज. जैसे उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया क्या. जस्ट एज दे हैव शोन इन द स्क्रिप्चर्स. वॉट. कि भगवान कृष्ण कब आया. When did God Krishna come? द्वापर के अंत में आया. He came at the end of the copper age. और तमो प्रधान कलयुग बना के चला गया. And he went after establishing the तमो प्रधान आयन एज. अरे तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ. अरे then what was the benefit of the arrival of God? फायदा हुआ. Was there any benefit? क्यों नुकसान हो गया. Or was there a loss? इसे तो ना आया होता तो अच्छा था. इट वॉज बेटर इफ ही हैडंट कम. तो देखो इस बात के ऊपर बुद्ध के लिए भी कहते हैं. सो लुक दे ऑल्सो से फॉर बुद्धा रिगार्डिंग दिस. अकेले क्राइस्ट की बात नहीं. इट इजंट अबाउट क्राइस्ट अलोन. वो तो कहते हैं बुद्ध भगवान था. दे से बुद्धा वॉज गॉड. और भारत में एक ही भगवान को उन्होंने है इस द्वापर कलयुग की दुनिया में मान लिया. इन भारत
दे कंसिडर्ड जस्ट वन पर्सन एज गॉड इन दिस कॉपर एंड आयरन एज वर्ल्ड। नरक की दुनिया में एक ही भगवान प्रैक्टिकल में देखा जाता है, कौन? ओनली वन गॉड इज सीन इन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड ऑफ हेल। हु? बुद्ध भगवान। गॉड बुद्धा। बौद्ध धर्म है ना उनका? द बुद्धिस्ट रिलीजन इज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम, इजंट इट? तो देखने में आता है कि नहीं? सो इज ही सीन और नॉट? हिस्ट्री की बात है ना? हाँ। इट इज इन द हिस्ट्री, इजंट इट? यस। तो देखो बुद्ध भगवान भी आया। सो लुक, दे थिंक ही एंटर्ड गॉड बुद्धा। अरे पर भगवान तो आता ही है पुरानी दुनिया में। अरे बट गॉड सर्टनली कम्स इन द ओल्ड वर्ल्ड। पुरानी को बदलकर नई के बनाने के लिए। ही कम्स टू ट्रांसफॉर्म द ओल्ड टू न्यू। है भगवान तो सत्य है ना? गॉड इज ट्रुथ, इजंट ही? सत्य आवेगा तो सत्य ही बनावेगा ना? ट्रुथ विल सर्टनली मेक अस ट्रू आफ्टर कमिंग, वोंट ही? द्वापर में बुद्ध आया, वो तो रजो प्रधान था। बुद्धा केम इन द कॉपर एज, ही वॉज इन फैक्ट रजो प्रधान। क्राइस्ट रजो प्रधान, बुद्ध भी रजो प्रधान। जस्ट एज क्राइस्ट इज रजो प्रधान, सिमिलरली बुद्धा इज ऑल्सो रजो प्रधान। तो उनके भगवान होने की तो बात ही नहीं। सो देर इजंट द क्वेश्चन ऑफ देम बीइंग गॉड एट ऑल। भगवान को तो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच। गॉड इज सर्टनली कॉल्ड द हाईएस्ट ऑफ द हाई। उससे ऊंच तो कोई होता ही नहीं कुछ दुनिया में। देर इज नो वन हायर देन हिम इन दिस वर्ल्ड एट ऑल। तो वो तो आएंगे ही संगम युग पर। सो ही विल सर्टनली कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज। साधारण संगम पर नहीं। एंड नॉट इन द ऑर्डिनरी कॉन्फ्लुएंस एज। कि सतयुग त्रेता के संगम पर है, या त्रेता द्वापर के संगम पर है, या द्वापर कलयुग के संगम पर है? नहीं। इट इजंट दैट ही कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज, और इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सिल्वर एज एंड द कॉपर एज, और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कॉपर एज एंड द आयरन एज। नो। कलयुग और सतयुग दोनों का जब मेल होता है तब आते। When it is the confluence of both the Iron Age and the Golden Age, it is then that he comes. तो उसका नाम देते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। So it is named the पुरुषोत्तम confluence age. क्या बनाने के लिए आते हैं? He comes to make us what? पुरुषों में, पुरुष माने आत्माओं में उत्तम आत्मा बनाने के लिए। He comes to make us the best souls among the पुरुष। पुरुष मीन्स द सोल्स। कौन आते हैं? हु कम्स? अरे सुप्रीम सेल को उत्तम आत्मा कहेंगे या नीच आत्मा कहेंगे? अरे विल द सुप्रीम सोल बी कॉल्ड द बेस्ट सोल और एन इन्फीरियर सोल? उत्तम ते उत्तम तो पुरुषोत्तम शिव ही हुआ ना निराकार। द इनकॉर्पोरियल शिव हिमसेल्फ इज द मोस्ट एलिवेटेड पुरुषोत्तम, इजंट ही? तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। यस, सो ही कम्स ओनली इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। और उस पुरुषोत्तम के अलावा और तो कोई बुद्ध क्राइस्ट वगैरह आ ही नहीं सकते। एंड अदर देन दैट पुरुषोत्तम, नो वन एल्स लाइक बुद्धा क्राइस्ट एटसेट्रा कैन कम इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज एट ऑल। ओम शांति। ओम शांति।